हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज माधव की रसोई में क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मेरे यहाँ पर दीदी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को नारियल के बिस्किट बना। मैं कहा ठीक है बनाते हैं। तो हमने बनाए आज नारियल के बिस्किट। वो कैसे बनाए, तो ये मैंने डाला इसमें घी, और ये आधा कटोरी घी है, कप घी है, और इतना ही मैं ले लूँगी इसमें पिसी हुई चीनी। चीनी को पीस लिया मैंने, और इस चीनी के अंदर ही मैंने इलायची डाल दी थी, दो इलायची डाली और ये चीनी सारी मैंने पीस के रख ली। तो जितना हमने घी लिया है उतनी हमने इसमें चीनी डाल ली है। इसमें से मैं सारा निकाल लूँगी बाहर, साफ कर दूँगी इसको। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, जैसे हम व्हिप क्रीम को फेंटते हैं ना वैसे ही हो जाएगा। तब इसको छोड़ेंगे, जब तक मैं इसको फेंटती रहूँगी। तो ये देखो हमने ऐसे फेंट के रखा हुआ है, बिल्कुल जैसे व्हिप क्रीम नहीं लगाते उसके ऊपर, केक के ऊपर वो वाली। तो बिल्कुल आप इसको कैसे भी घुमा लो, नीचे कर दोगे तो भी ये गिरेगा नहीं। अब मैं छलनी रख दूँगी इसके ऊपर, और छलनी रख के इसमें डालूँगी मैं ये आधा कप आटा, और ये पूरा एक कप आटा हो जाएगा हमारा। भर लिए हैं, अगर इसका मेजरमेंट सही होगा तो आपके जो बिस्किट है नारियल के वो बिल्कुल सही बनेंगे। इसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दोनों को इसी में मिला लिया मैंने। और अब मैं इसको छान लूंगी अच्छे से इसके अंदर। बस तो हमने इसको छान लिया, जो भी निकला इसको साइड कर देंगे। और बस अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे, एक पिंच नमक, और थोड़ा 4 चम्मच इसमें मैंने डाली है बेसन। बेसन ये मैंने छान लिया था तो मैंने अलग से मिलाया इसमें। अब बस इसको पहले हम चमचे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसका मतलब। इसको धीरे 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 ये जैसे क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने ये गोला, घर पे जो होता है ना गोला, गोला घिस के, और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो उसके 2 भर के आधा आधा कप के मैंने इसमें डाल दिए। बस अब इसको हम गूंथ के नहीं रखेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे नहीं रखेंगे इसको, सिर्फ इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा एक चम्मच देख लो पहले इसमें, अगर ये बनते हैं सही तो नहीं डलेगा। अगर थोड़ा सा लगता है आपको टाइट है तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दो, मीडियम, ना ठंडा हो ना गर्म हो। बस हमारा ये गूंद के हो गया तैयार आटा। और हम लेंगे 1 चम्मच, जो बड़ी सी चम्मच आती है ना उससे, आप हाथ से भी बना सकते हो इस बिस्किट को। ये नान कताई नहीं है, ये मैं बना रही हूँ नारियल के बिस्किट। मैंने चौरस नहीं बनाए, मैंने गोल में बनाए, क्योंकि मार्केट से जब मैं लाती थी तो वो गोल ही होते थे, तो उसकी तरह ही मैं इसको बना रही हूँ। बस थोड़ा सा भरेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक सार बनेंगी। बाकी आप कैसे भी इसको बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से बनाना है। जिनके पास ये नहीं है तो आप बस थोड़ा सा दबा दो, रख दो। सारे बिस्कुट ऐसे ही बना के रख लूँगी।
सारे बिस्किट। ये दीदी भी बनवाने लग गई कि मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो दीदी को लगा कि मैं भी हेल्प कर देती हूँ, तो दीदी बना के देख रहे थे। और इतने लाजवाब बिस्किट बने थे नारियल के, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे थे। अगर आप बनाते हैं तो ऐसे बनाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखो कैसे बनाए हैं मैंने, और इसको मैं OTG में बनाऊंगी। तो मैं इसको OTG को फ्रीड कर लिया था 180 पे, और अब मैं इसको इसमें रख दूंगी। बाकी जितना भी बचा है उसे दोबारा बना लूँगी। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि एक साथ ही सारे बन सकते थे ऊपर नीचे, लेकिन मैंने एक बार में एक ये सी को रख दिया ट्रे को, फिर उसके बाद मैंने खोला नहीं इसको। तो ये देखो हमारे जो बिस्किट है वो बन के हो गए हैं तैयार। और अब मैं इसमें दूसरे उसमें इसको ट्रे से नीचे उतार लूँगी। ट्रे को नीचे उतार लिया मैंने, ये ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखो ये बिस्किट हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और जितने ये ठंडे होंगे उतने ही इनका करारापन आएगा। अभी तो ये गरम गरम है, तो आप इसको तोड़ोगे तो आवाज़ नहीं होगी। जब हम इसको सुखा लेंगे ना तो ये बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हो जाएंगे। इतनी अच्छी सिकाई हुई है इसकी, तो मैं सबको ऐसे इसमें निकाल लूँगी, सारे बिस्किट निकाल के रख लूँगी। ये क्या हुआ कि गरम थे तो ये दबा दिए थे मैंने, तो वो दबे ही रह गए, ठंडा होने के बाद वो भी निकल जाएंगे। तो ये देखो बिस्किट, और जितने ये ठंडे होंगे ना उतने ही खस्ता हो जाएंगे एकदम करारे। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, और फिर मैंने दीदी को दिए, और दीदी हमारी बैठी हुई है खाने के लिए। देखो चाय रखी है नीचे और बिस्किट साथ में ले रहे हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे। तो खा रहे थे और खाते खाते जैसे ही मैंने वीडियो घुमाया तो देखने लग गए। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।